अगर कोई फीड खिलाने से सिर्फ दूध बढ़ जा रहा है, फैट एसएनएफ नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ प्रोटीन में कहीं ना कहीं झोल में। स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आज आप जहाँ हमें देख पा रहे हैं, ये कृषि पालक का फार्म्स है। लास्ट टाइम हमने नितरेश जी के साथ वार्ता की थी, बहुत ही अच्छी विषय पे वार्ता हुआ जो फीड से रिलेटेड था। इसमें आप लोगों का बहुत कमेंट आया, बहुत प्यार मिला, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला। इस वार्ता का जो उद्देश्य है, आसान भाषा में किस तरह हम आपको टेक्निकल नॉलेज दे सकें, जिससे आपको जानकारी मिल सके। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मौसम बिल्कुल बदल चुका है। आज से 15 दिन पहले प्रचंड गर्मी पड़ रहा था और अभी प्रचंड बारिश हो रही है, जिसमें मवेशियों का क्या समस्याएं आती हैं, किसान को क्या परेशानियां आती है, विषय पे हम लोग वार्ता करने वाले हैं। बिल्कुल आपके सवाल हैं, आपने जो जो कमेंट किए थे, जो किसान भाइयों ने मुझे फ़ोन किया था, उससे रिलेटेड विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में बहुत ही सपोर्ट करेगा। तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इस पर बने रहें, पूरे अंत तक देखें, इससे आपको सीखने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। तो जी, स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। लास्ट टाइम हमने वार्ता किया, कुछ अपना उस पर फीडबैक दें। अब प्रशांत जी, आपके सबसे पहले आपका स्वागत है कृषि पालक के फार्म्स पे, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हमारा प्रणाम। और प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट टाइम जो आपने वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे हमने भी देखा कि काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक था। जो लोग हमसे जुड़े हुए थे उन्होंने हमें फ़ोन भी किया और बधाई दिया कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, और जिस जो आपका सोच है उस पर काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। लास्ट टाइम जो वार्ता हुई थी उसमें आपके बहुत सारे सवाल थे हमारे जर्नी के बारे में, फीड के बारे में, कि ये काम कैसे अपने स्टार्ट किया, किस सोच से शुरू किया। और मैंने लेकिन उसमें कमेंट्स में भी पढ़ा और आपसे डिस्कशन भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं सो उन चीज़ों को जानना चाहते हैं, कि बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं कि उस पर कुछ किसी तरह का एक डिस्कशन हो, चाहे फीड से रिलेटेड हो, चाहे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे बदलते मौसम से रिलेटेड हो। तो आज हम जो ये वार्ता रखेंगे, लास्ट टाइम आपने मुझे वो सवाल किया था, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जो सवाल हमारे पास आए हैं कुछ फार्मर्स के, या जो हमारे मन में भी हैं, जो या हम जो फेस करते हैं, उनसे आपसे जाने उन चीज़ों के बारे में, और साथ ही जो किस तरह से हम उनको प्रोडक्ट के माध्यम से उसको किस तरह से हम लोग टैकल कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी आप दें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ मेरे मन में जो सबसे पहले कुछ सवाल है उससे हम शुरू करते हैं। आपने बताया कि कुछ दिन पहले मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा थी हमारे बिहार में, खासकर बिल्कुल लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर के आसपास था यहाँ, और पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिनों से बारिश भी काफ़ी हो गई है। और इसमें जो है सो पहले तो हम बात करेंगे कि एक बहुत जो क्रूशियल टॉपिक जो मुझे लगता है वो फंगस का जो सवाल है या टॉक्सिसिटी का जो सवाल है, उस पर थोड़ी जानकारी दीजिए, वहाँ से शुरू करिए कि ये सबसे पहले तो इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, ये कहाँ से आता है, इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, ठीक है? तो थोड़ा उसकी जानकारी दीजिए, और उसको कैसे हमें रोक। जो भी चारा खिलाते हैं, वो हरा चारा हो, साइलेज हो, भूसा हो, या जो भी अनाज खिलाते हैं, वहाँ से आ सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कहीं भी कोई रॉ मटेरियल स्टोरेज होता है या भूसा ही आपका स्टोर है, बारिश के मौसम में क्या होता है, उसमें फंगस ग्रो करता है। ये फंगस क्या होता है? मतलब जो आसान भाषा में इसको फुफंदी बोल सकते हैं, और वो फुफंदी क्या करता है, उसके न्यूट्रिएंट को खाता है, मतलब उसके जो पोषण चीज है जो काला काला रंग का हो जाता है किसी भी जगह, जो काला पड़ जाता है। नहीं नहीं, वो तो सेकेंडरी हो गया। अच्छा। सबसे पहले वो उसके न्यूट्रिशन को खाता है, जो पोषण वाला चीज है, और वो जो फंगस अपना मल मूत्र छोड़ता है, जो कि आपको काला टाइप का दिखेगा। अच्छा। कुछ ऐसे भी फुफंदी होते हैं जो आपको दिखेंगे नहीं। अच्छा अच्छा, यानी कि बहुत ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो विजिबल है और नहीं भी दिखते हैं। मतलब वो नंगे आंखों से आप उसे देख नहीं सकते। नहीं देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन मवेशियों में कैसे आप पहचानते हैं? तो जब पशुपालक भाई लोग बहुत जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी ये बरसात के मौसम में या किसी भी मौसम, जब मौसम चेंज होता है, तो उनको मवेशियों में देखने को मिलता होगा। गायों का जो पालन होता है बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है, कि जिस तरह माँ हर एक इंडिकेशन बच्चे का पकड़ लेती है कि उसे भूख लगा है या नींद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं नींद आ रहा है, बस उसी तरह मवेशी को भी किसान पकड़ते हैं। तो आपको कुछ सिम्टम दिखेगा कि या तो डायरिया होना शुरू हो जाता है मवेशी में, या ब्लीडिंग डायरिया होने लगेगा, या खाना छोड़ने लगेगी, खाना नहीं खाएगी, ये सब एक सिम्टम है। या कभी कभी ऐसा देखेंगे कि बहुत अच्छा आप खिला रहे हैं, उसके बावजूद भी गाय में किसी तरह का बॉडी स्कोर उसका सही नहीं रहता है,
वो ख़राब होते जाता है, या किसी तरह का बीमारी अगर हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा है, अब मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन का असर नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी का एक सिम्टम। अच्छा प्रशांत जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि ये जो कारण है मॉइस्चर की वजह से होता है, तो मान लीजिए कहीं हम बहुत अच्छे से हमने रखा है, पर क्या ये वातावरण, जैसे अभी नमी बहुत हो गया है वातावरण में, तो उससे भी ये फैलता है, या इसको सिर्फ ऐसा जगह पे कहीं पे गीला में कहीं पानी उसके अंदर आ रहा है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तब होता है, या बाहर एक्सटर्नल वातावरण में भी उससे भी प्रभाव? देखिए, ऐसा नहीं है कि बारिश के मौसम में, अगर जब मौसम बहुत अच्छा रहता है, ड्राई मौसम है, उसके बाद भी फंगस ग्रो होता है, वहाँ पे आपको दिखता नहीं है। अच्छा। लेकिन मवेशियों में क्या होता है कि ये सिम्टम आपको दिखने लगेगा। अच्छा। जो कि बहुत सारे भाई हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं और वो अपने डेयरी फार्मिंग में 2-4 साल से जुड़े हुए हैं, उनको ये सब फील होता है, क्योंकि आपको ये जो बिहार का कल मौसम है, क्लाइमेट है, बिल्कुल बदलता रहता है हमेशा। तो इसलिए आप, ऐसा नहीं है कि आप मवेशियों के लिए पूरा पकाया हुआ खाना हाइजेनिक तरीका से रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मवेशी के लिए हम लोग जो भी स्टोरेज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा खाती है, आदमी जैसे खाते हैं तो हाँ, वो बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि हमसे 5 गुना ज्यादा उनका बॉडी वजन है। अभी आपने बता दिया कि ये इस तरह से होता है, इसका ये दुष्प्रभाव है, तो इसको रोकथाम कैसे किया जाए, इसके लिए बचने का क्या तरीका है? जो आप चारा मवेशियों के लिए लाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हैवी केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड हो गया, या आप जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है, वो भी एक टॉक्सिसिटी पैदा करता है मवेशी में। अच्छा। जो कि आप, आपके आंख के सामने नहीं दिखेगा, लेकिन वो स्लो, धीरे धीरे काम करता है, वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। बिल्कुल, एकदम ऐसा कभी कभी सिम्टम दिखता होगा कि सारा कुछ सही है, एकाएक मवेशी के पेट में दर्द हो गया और बेचैन हो गई, और उसको फिर आप मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा भी सिम्टम दिखता है। कुछ मवेशियों में देखेंगे कि बिना चोट के उसका स्वेलिंग दिखेगा पैर में, ये सब भी एक सिम्टम है टॉक्सिसिटी का। तो ये सब बहुत डिफरेंट जगह से आ सकता है, आपके हरा चारा से आ सकता है, भूसा से आ सकता है, ग्रेन्स से आ सकता है। अब जैसे आप खल को ही देखते हैं, खल में भी यूरिया का स्प्रे कर देते हैं लोग। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है? इसका एक्चुअली आप अगर लैब टेस्ट करते हैं, और लैब टेस्ट करते हैं तो आपको उसका प्रोटीन देखते हैं कितना है, तो आपके वो प्रोटीन को, नाइट्रोजन को मेंटेन करने के लिए यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। अच्छा, मतलब लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी होगा, मवेशियों की जान भी जा सकती है। अच्छा अच्छा, तो प्रशांत जी, आप इसके रोकथाम के बारे में, इसको हम लोग बचाएंगे कैसे, अपने मवेशियों को कैसे बचाएंगे? देखिए, अब जो है दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और टेक्नोलॉजी बहुत आ चुका है। हम जिस कंपनी में है, केमिन, जो आप जैसा कि जानते होंगे कि US की कंपनी है और रिसर्च बेस्ड कंपनी है, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं और हमेशा रिसर्च, नया नया प्रोडक्ट, नए नए टेक्नोलॉजी का करते रहते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो इसको देखिए, दो तरीके से कर सकते हैं, एक फार्म के अंदर और एक फार्म के बाहर। फार्म के बाहर की बात करें तो जैसे कि आपके यहाँ हरा चारा आ रहा है, साइलेज आ रहा है, भूसा आ रहा है, तो उसमें जो भी टॉक्सिन्स होगा उसके रोकथाम के लिए टॉक्सिक बाइंडर का हम इस्तेमाल करेंगे। टॉक्सिक बाइंडर का मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में आप बोल सकते हैं, टॉक्सिन्स मतलब जहर होता है, अब बाइंडर मतलब बांधना, यानी कि जो भी जहर आ रहा है, मतलब भूसा या साइलेज या हरा चारा के माध्यम से, उसको ये क्या करता है, रूमेन के अंदर यानी गाय के पेट के अंदर उसको बाइंड करता है, और बाइंड करके उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, डंग के थ्रू मतलब गोबर के साथ पास करा देता है। अच्छा, अच्छा। तो एक तो आप टॉक्सी बाइंडर के साथ आप इसको रोकथाम कर, बाहर का विष आ रहा है आपके फार्म पे, उसको आप इस तरह से रोक सकते हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात जहाँ तक हो गई कि आप जैसे कि ये फीड हो गया, आपने फीड को बनाया, अब फीड को बना करके कहीं स्टोर करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रहेगा, तो उसमें मॉइस्चर 11-12% होता है, तो वहाँ पे भी फंगस ग्रो कर सकता है। तो उसके रोकथाम के लिए हमारे कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी से बना प्रोडक्ट बनाया है, माइक्रो कप ड्राई, जैसे कि इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है कि उसके फंगस को ग्रो नहीं होने देता है, यानी एक तरह से इसको हम फंगस को बढ़ने ही नहीं देंगे, तो टॉक्सिन्स कहाँ से पैदा होगा? आसान जी, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई फीड है, उस फीड में माइक्रोकर्ब या किसी भी कारण से जो है उसमें फंगस अगर आ जाता है, अगर उसमें किसी तरह का, इस तरह का, आप जिस तरह का टेक्नोलॉजी बता रहे हैं उसमें अगर इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसमें अगर किसी तरह का टॉक्सिसिटी आ जाता है, तो क्या ये टॉक्सिक बाइंडर उसको रोक सकता है या नहीं? बिल्कुल रोक सकता है, लेकिन आप
उस टॉक्सी बाइंडर के क्वालिटी पे जाना होगा कि आपको क्या, आप किस तरह का टॉक्सी बाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो कृषि पालक में इस्तेमाल किया, जो हमारे डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब किया, कि ये 360 जो सबसे मैंने बताया था कि सबसे कॉस्टली टॉक्सी बाइंडर है, जो टॉक्सफिन 360 करके, जो लगभग 250 रुपये के जी पड़ता है, उसका हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि किसी कारण बस अगर पॉइजनिंग हो रहा है तो वो मवेशी पे उसका साइड इफेक्ट ना हो, गाय को किसी तरह का दिक्कत ना हो, तो उसके लिए हमने इस फीड में ऐड किया। अच्छा, मतलब इस क्वालिटी का अगर टॉक्सिक बाइंडर इस्तेमाल नहीं होता है तो क्या ये गाय के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। वैशाल जी, चूँकि हम लोग बिहार में हैं तो बहुत सारे लोग बहुत तरह का देसी नुस्खा भी इस्तेमाल करते हैं या चाहते हैं, तो क्या ये विष को रोकने का कोई देसी नुस्खा है क्या? देखिए, देसी नुस्खा में आप अगर जाते हैं तो लोग बेंटोनाइट पाउडर, अब जैसे इसको हिंदी में हम बोलेंगे तो मुल्तानी मिट्टी, लोग बाल उल में लगाते हैं, फेस में लगाते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इतना घातक हो चुका है, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया है, कि ये कभी कभी जब आपका फूड पॉइजनिंग होता है, अगर पूरा विष हो गया फीड में, तो उसको वो नहीं रोक पाता है। इसलिए हम लोग को टेक्नोलॉजी के पीछे जाना चाहिए और सेफ्टी देखना चाहिए कि हमारे मवेशी कैसे सेफ रहे। प्रशांत जी, अभी जैसे हमारे पास अपने फीड में यूज़ कर रहे हैं टॉक्सिन 360, तो हम चाहेंगे कि हम एक जो पैकेट होता है उसको दिखाएं और थोड़ा उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स, अगर जैसे हर प्रोडक्ट के पीछे होता है किसका क्या अच्छा है, किस क्वालिटी का और भी अगर टॉक्सिक बाइंडर आता है तो उसके बारे में, और ये किसानों को अगर मान लीजिए फीड के थ्रू नहीं मिल पा रहा है तो किस तरह उपलब्ध हो सकता है? 360 जो नाम रखा गया है, ये एक सर्कल होता है जो 360 डिग्री घूमता है, यानी कि 360 आपका पूरा कवर कर देता है, किसी भी तरह का टॉक्सिसिटी है, अगर मान लीजिए पेस्टिसाइड से बना टॉक्सिसिटी है, जो आप भूसा से आ रहा है, हरा चारा से आ रहा है, या फीड से आ रहा है, या ग्रेन से आ रहा है, तो जब ये बाहर में नहीं काम करता है, ये जब फीड के साथ अगर उसके रूमेन में जाता है और आपने साइलेज खिलाया, साइलेज में ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो ये उसको भी कवर कर लेगा, क्योंकि रूमेन से वो आगे पास ही नहीं होने देगा। वो बहुत पावरफुल टॉक्सिक बाइंडर है। अच्छा। और ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार जैसे जगह पे अगर कोई फीड बन रहा है वहाँ पे 360 का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आपको ये पंजाब के ही डेयरी फार्मर यूजर्स मिलेंगे ज़्यादातर। अच्छा, अच्छा। क्योंकि उन लोग इसमें कहीं से भी कंप्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि गाय का कॉस्ट काफ़ी है और बिल्कुल पशुधन है और वो पूंजी है, किसान का पूंजी गाय ही है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो शायद मुझे लगता है कि अपने डेयरी फार्मिंग में बहुत साल पीछे हो जाता है। बिल्कुल, मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूँगा, आप लगभग आपने कितने पशुपालक को फीड दिया है? हमने करीब करीब 500 प्लस डेयरी फार्मर्स को दिया है। कहीं से भी कोई फीडबैक इस तरह का आया है जो किसी मवेशी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, टचवुड। और मुझे लगता है कि जिस तरह का आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और जितने कॉन्फिडेंस है आपकी टीम या केएमएन बताती है कि आप ये टॉक्सिक बाइंडर यूज़ करिए, थोड़ा कॉस्टली है, ज़रूर कॉस्टली है, बट फिर भी जिस तरह का इसका एक कॉन्फिडेंस हमें मिलता है कि नहीं किसी भी तरह का अगर टॉक्सिसिटी है उसको डील कर सकता है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा चीज़ है। तो बिल्कुल, देखिए ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है और कॉस्ट पे आपके नज़र में अगर हो रहा होगा कि 250 रुपये के जी है या बहुत सारे फीड नहीं, गाय का कोई कॉस्ट नहीं है। गाय अगर हम लगता है 1,00,000 गाय को फीड जा रहा है, उसमें से अगर किसी गाय को नहीं, हम चाहेंगे कि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत तरह के किसान हैं, बहुत तरह का रख रखाव पे रखते हैं, किसी के पास साधन संसाधन कम है, वहाँ पे बहुत तरह कारण से टॉक्सिसिटी आ सकता है। बहुत बार देखते हैं गाय जो है दीवार चाटती है, वहाँ फंगस हो सकता है। जैसे कि अभी आप बारिश की मौसम है, अगर आपके जो पशुपालक आपसे जुड़े हुए हैं उसमें कोई भी मौसम बदल जाता है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल हैप्पी रहेंगे, हंसते हुए आपको फोन करेंगे, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, यही चीज़ हमारा भी एस्पिरेशन यही है, हम यही चाहते हैं कि इस तरह का चीज़ हो। और बहुत अच्छा चीज़ है कि आप लोग हाईएस्ट क्वालिटी का भी प्रोडक्ट रखे हैं, और जो कि अगर क्वालिटी की बात करें तो कॉस्ट को छोड़ कर, अगर हमारा भी यही कोशिश है कि कॉस्ट नहीं देख के जो सबसे बढ़िया क्वालिटी पॉसिबल है उसको हम लोग, जो भी किसान भाई इस चीज़ को देख पा रहे हों, डेयरी फार्मर्स देख पा रहे होंगे, तो हम शॉर्ट में बताया जो हमने डिस्कस किया कि आपको अपने पशु को टॉक्सिसिटी यानी कि विष के तत्व से बचाना है, चाहे वो अपने फीड के माध्यम से आपको जाते हैं या अलग से डोज दे के टॉक्सिक बाइंडर का करते हैं, या अपना प्रीमिक्स बनवाते हैं या बनाते हैं, या बाज़ार में अगर कोई भी किसी भी तरह का टॉक्सिक बाइंडर है किसी भी कंपनी का उपलब्ध हो तो ज़रूर इस मौसम में इस्तेमाल करें, क्योंकि विष फूड पॉइंजन जैसे हमें ही हो जाता है, एज इंसानों को भी होता है, तो चूँकि हमारे पास ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट है
और ख़ासकर बिहार में उतना अच्छा वेटनरी नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग इसका ख्याल रखें कि टॉक्सिक बाइंडर्स का यूज़ किया करिए, चाहे आप हरा चारा खिलाते हों चाहे भूसा खिलाते हों। मतलब मेरे कहने का अर्थ यही है, तात्पर्य यही है कि अपने पशु को की सेफ्टी आपके हाथ में है, कोई भी फीड खिलाते हों तो ज़रूर पूछें क्या इसमें टॉक्सिक बाइंडर दिया गया है, अगर दिया गया है तो किस तरह की क्वालिटी का दिया गया है, क्या ये हर तरह से सेफ़ है। तो प्रशांत जी, अगला जो सवाल हम आपसे करेंगे कि मौसम में भी अब जैसे स्ट्रेस, हर मौसम का स्ट्रेस अलग अलग होता है, जैसे आप बता रहे हैं कि गर्मी में स्ट्रेस था, तो आपने कुछ बताया कि आप क्रोमलैक्टिक प्रोडक्ट है आपका वो यूज़ करिए, या फीड में जैसे हम लोग एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी अच्छा मिल रहा है ग्रोथ के लिए, प्रोटीन अच्छा मिल रहा है, तो क्या ये स्ट्रेस को आप लोग न्यूट्रिशन कैसे कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी पानी हो रहा होगा तो कहीं पानी लग रहा है, लगातार पानी हो रहा है, लोगों का कॉल आता है कि लोग जनरली इस सीजन में दूध का ड्रॉप होता है, मिल्क ड्रॉप होता है, तो जैसे अभी तक जो हमारा फीड खिला रहे हैं वो तो काफ़ी खुश हैं कि टेम्परेचर है तो उनका फूड थोड़ा दूध इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो बहुत लार्ज जो ग्रुप है तो दूध का जो ड्रॉप होता है स्ट्रेस की वजह से, उसके लिए आप न्यूट्रिशन को किस तरह से मद करके, जब मौसम ट्रांजिशन फेज में हो, जब मौसम बदल रहा हो, उस समय बिल्कुल ही मवेशियों में स्ट्रेस होता है, लेकिन इसका एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप अच्छे क्वालिटी का फीडिंग अच्छे न्यूट्रिशन के साथ अगर देते हैं तो मवेशी हद तक उसे बर्दाश्त कर लेती है। जैसा कि आपसे बहुत सारे फार्मर्स जो आपके यूजर्स हैं, आपके कृषि पालक फीड को यूज कर रहे हैं, वो लोग देख भी रहे होंगे वीडियो। मैं कहूँगा किसान भाइयों कि आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि अभी जो ट्रांजिशन हो रहा है, अभी जो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, गर्मी से बारिश में आ रही है, तो क्या इसमें आपको कितना परसेंट प्रॉब्लम हुआ है, आप कमेंट जरूर करें। तो आप बिल्कुल उससे कर सकते हैं। और जहां तक ग्रेन्स की बात है, देखिए मवेशी को क्या चाहिए, अच्छा प्रोटीन चाहिए, अच्छे क्वालिटी का। जैसे अच्छे क्वालिटी, अच्छा प्रोटीन से क्या मतलब होता है आपका? अब जैसे कि आप क्वालिटी प्रोटीन, आप सोया डीओसी को यूज कर रहे हैं, मस्टर्ड डीओसी को यूज कर रहे हैं, डीडीजीएस, मेज डीडीजीएस, राइस डीडीजीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके सप्लीमेंटेशन के लिए आप लाइसिन मेथोनिन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रूमेन प्रोटेक्टर। किसान जी अभी थोड़ा सा जैसे लाइसिन मेथोनिन, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, ये अमीनो एसिड जो बैलेंसिंग का टेक्नोलॉजी आपके मेन के थ्रू हमें मिलता है, तो थोड़ा इसको समझाइए कि प्रोटीन किस तरह का होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और लाइसिन मेथनिन का क्या सिग्निफिकेंस है डेयरी फार्मिंग में। देखिए जो एमिनो एसिड है वो आदमी हो या मवेशी हो, हर एक को चाहिए। एमिनो एसिड क्या है, यानी कि 10 उसके शरीर में खुद बनता है, 10 एमिनो एसिड बाहरी सपोर्ट से हम लोग देते हैं। जैसे आप मक्का की बात करें तो मेथोनिन का परसेंटेज उसमें सबसे ज़्यादा होता है, यानी हर एक ग्रेन्स में अलग अलग एमिनो एसिड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, यानी कि जो भी आप खल वगैरह दे रहे हैं वो टूटने के बाद इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है, आंत में जो पचता है, वो एमिनो एसिड जा कर के वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। 10 साल हो गया मेरा केमिन में, और हमने जब पंजाब या डिफरेंट स्टेट में ट्रेनिंग लिया, वहाँ पे देखा खास करके पंजाब के फार्मरों का, उस समय वो लोग एमिनो एसिड की बात कर रहे थे, यानी कि इतना आगे डेवलप हो चुका था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कितना मतलब अच्छा चीज़ हमको देखने को मिल रहा है यहाँ। इस चीज़ को अगर हम बिहार में करते हैं, किसान के बीच में करते हैं, ये फीड के माध्यम से देते हैं, क्योंकि फार्मर्स उतना डिटेल और डीपली नहीं जाते हैं, उनको एक सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो किसी फीड के माध्यम से मिलेगा। हमने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत सारे फीड मिल्स। इसका फ़ायदा क्या होता है किसान? इसका फ़ायदा देखिए, डायरेक्टली जो है अच्छा प्रोटीन जाएगा, यानी कि दूध तो बढ़ेगा ही, दूध का फैट SNF बढ़ेगा। अगर कोई फीड खिलाने से सिर्फ दूध बढ़ जा रहा है, फैट SNF नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ प्रोटीन में कहीं ना कहीं झोलमेल है। अच्छा अच्छा, मतलब ये आप कहते हैं कि किसी भी फीड का अगर रिजल्ट देखना हो तो तीन चीज़ जैसे आप बताते हैं कि उसका सबसे पहले तो किसान को दूध से बहुत ज़्यादा प्रेम है और होना भी चाहिए, तो दूध बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन दूध अच्छे ढंग से बढ़ना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि उसका फैट SNF भी, उसका क्वालिटी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि किसान जो भी दूध, आप बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, वो अपना दूध सुधा को देते हैं, मेधा डेयरी को देते हैं, अमूल में देते हैं, उनको तो प्राइस जो वहाँ डिसाइड करती है वो फैट SNF से करती है, तो कोई भी दूध में पानी मिला करके जाकर फैट SNF में भी अच्छा बढ़ोतरी होना चाहिए। और तीसरा जो है सो बॉडी स्कोर गाय का जो है अच्छा होना चाहिए।
बॉडी स्कोर अच्छा होना चाहिए, लंबे टाइम तक ये होना चाहिए कि साल के अंत में हमें देखना चाहिए कि साल में एक कंसेप्शन हुआ, एक बच्चा आया कि नहीं। फीड का रिजल्ट एक दो महीने का नहीं होता है, ये पूरे साइकिल का होता है, यानी कि कोई आपके फीड पे डिपेंड है तो पूरे साइकिल मतलब उस पूरे साल में जो चक्र चलेगा, जैसे आपने बनाया है अलग अलग वैरायटी का जो फीड बनाया है कि ट्रांजिशन के लिए अलग, मिल्किंग के लिए अलग, हीफर के लिए अलग, यानी हर एक स्टेज के लिए उसके लिए बनाया है। तो बस अगर वो आपके फीड पे पूरा डिपेंड है वो फार्मर, तो उसके डेयरी फार्म पे आपको पूरा कंट्रीब्यूशन आपका रहना चाहिए, आपका देख रेख होना चाहिए कि वहाँ क्या आ रहा है, यानी कि पूरे साल भर में वो किसान समझेंगे कि ये फीड का क्या रिजल्ट। अच्छा, मतलब ये क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि वो तुरंत इमीडिएट सोचते हैं, अभी कल सोचते हैं कि अभी मेरा आज हमने चालू किया और दो दिन में तीन दिन में को चाहिए कि हमारा दूध बढ़ जाना चाहिए। नहीं, वो दिखता है, दो तीन दिन में भी दिखता है। जैसे कि आप कोई भी पशुपालक इतने मतलब जरूर बुद्धिजीवी होते हैं कि एक छोटे भी पशुपालक के पास जब आप फीड देते हैं तो उनका पूरा गौर रहता है कि गोबर कैसा हो रहा है, तो चार दिन में तो वो गोबर को देखते हैं, समझ जाते हैं कि अगर गोबर सही हो रहा है यानी कि फीड पूरा पच रहा है, गोबर साफ हो रहा है यानी अच्छा हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, फिर वो दूध पे देखते हैं कि दूध का क्वांटिटी क्या बढ़ रहा है, उसके बाद फिर देखते हैं कि दूध का फैट एसएनएफ बढ़ रहा है। मतलब ये हर एक किसान में जागरूकता है, खास करके बेगूसराय के किसान के बीच की बात करें तो वहाँ के किसान इस पर पूरा जागरूक है। उसके बाद देखते हैं कि दूध जो दे रही है गाय, दूध जो बढ़ा तो हमारे मवेशियों का बॉडी वेट तो नहीं टूट रहा है, यानी उस पर भी गौर करते हैं। उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन पे क्या है, मतलब हर एक चीज पे गौर करते हैं। तो ये मेरा कहना है कि हर एक पशुपालक, जैसे ये एक मॉडल है कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट है पूरे बिहार के लिए, वहाँ से लोग सीखते हैं। टॉक्सिसिटी पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन के जरिए इस पे बात किया, और अब बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है मिनरल्स। मिनरल्स का फीड में या फीड से बाहर भी बहुत लोग देते हैं, तो हमें ये थोड़ा जानकारी दें कि मिनरल्स और जो मौसम अभी है इसमें किस तरह से आप देखते हैं कि वो कि हर तरफ पानी है, तो क्या पानी के क्योंकि अभी जो फीड इंटेक होता होगा उसमें ज़्यादा जो है मॉइस्चर का ज़्यादा अंश है, तो इसमें मिनरल्स के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि हमें किस तरह का मिनरल इस्तेमाल करना चाहिए, क्या फीड में करना चाहिए कि अलग करना चाहिए, दोनों में क्या अच्छाई है, दोनों में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, थोड़ी उस पर थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। जब दूध देती है तो आप समझ सकते हैं उसके शरीर से बहुत सारा चीज़ निकलता है, मिनरल्स निकलता है, विटामिन्स निकलता है, कैल्शियम निकलता है, तो जितना उसका निकलता है उसका फुलफिल आप फीड के जरिए करते हैं। तो इसलिए किसी भी मवेशी को जो है सो पूरे सालों भर उसे मिनरल्स चाहिए। अगर फीड के जरिए आप सब दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि किसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है कि कहीं अलग से टॉप ड्रेसिंग कराना है। तो इसमें ये देखना है कि मिनरल्स जो आप दे रहे हैं वो टेक्नोलॉजी क्या है। अब जैसा कि आप गायों को देख लें, आज से 30 साल पहले 4 लीटर 5 लीटर की गायें होती थी, और आज बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें, हर एक जगह 30 से 40 लीटर की गायें हैं, मिनिमम 25 लीटर की भी गायें हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको अलग से मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो किसी अच्छे फील्ड में अगर मिनरल्स जा रहा है तो उसकी टेक्नोलॉजी को देखिए कि तो चिलेशन की बात होती है। चिलेशन मींस की कोटिंग, यानी कि जो मिनरल्स दे रहे हैं जो चिलेटेड मिनरल करके आता है, हाँ चिलेटेड मिनरल, अब उसमें भी क्या टेक्नोलॉजी है। जैसे कि हम लोग कृषि पालक में जो इस्तेमाल कर रहे हैं केम ट्रेस मैक्सिम, जिसमें जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन, क्रोमियम, विटामिन ए, डी, थ्री और ई है। तो इसका जो चिलेशन है ये केमिन का पेटेंटेड है मेटल प्रोपियोनेट, उससे चिलेशन किया हुआ है। मतलब ये आप कहीं गूगल पे सर्च कर लेते हैं। और इसका क्या होता है कि इसका रिटेंशन, यानी जो भी फीड के जरिए जो मिनरल्स जा रहा है, कुछ यूरिन के जरिए पास हो जाता है, कुछ डंग के गोबर के थ्रू पास हो जाता है, उसके शरीर में रुकता कितना है। तो हमारे साइंटिस्ट ने जो भी ट्रायल किया, जो रिसर्च किया, उसमें देखा कि ये जो मेटल प्रोपियोनेट टेक्नोलॉजी है इसका 4 टाइम हायर रिटेंशन है। यानी जो भी मार्केट में जो भी मिनरल्स हैं वो जितना ठहराव होता है उससे 4 गुना ज़्यादा इसका 4 गुना ज़्यादा पावरफुल मिल रहा है। जी बिल्कुल। इसका डोज भी कम है, बहुत कम डोज है। जैसे कि आप जो डाल रहे हैं कि कैल्शियम फास्फोरस के लिए कुछ और डाल रहे हैं, और ट्रेस मिनरल्स में मैक्सिम जो डाल रहे हैं जिसमें सारा जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है मवेशी को वो पूरा हो जा रहा है, क्रोमियम भी है।
क्रोमियम का क्या इस्तेमाल होता है? देखिए क्रोमियम जैसे कि हमने बात किया था क्रोमलेट, लेकिन मिनरल्स जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी क्रोमियम है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिलीव करता है। अच्छा। यानी ब्लड में कार्टिसल लेवल जो बढ़ता है उसको वो मिनिमाइज करता है, जिसमें उसके शरीर में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। अच्छा। तो इसलिए मिनरल्स के साथ वो भी क्रोमियम भी जाना जरूरी है। प्रशांत जी, हर जगह हिसाब से मिनरल्स जो होता है वो अलग अलग होता है, तो हमारे जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं या जो आपका वीडियो देख रहे हैं तो उनको प्लीज़ बताइए कि हमारा जो क्षेत्र बिहार है या आसपास है, जैसे बंगाल हो गया, आसाम हो गया, झारखंड हो गया, तो ये चूंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो इसमें किसानों को कौन कौन सा मिनरल्स के बारे में खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए जो हम लोग का जो यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट लोग ने मिट्टी का जो टेस्टिंग किया उसमें देखा कि जो आपका ईस्टर्न पार्ट है इसमें जिंक का ज़्यादातर कमी है, तो इसलिए जिंक को कहीं ना कहीं से पूरा करना है। जिंक का बहुत सारा रोल है, वो रिप्रोडक्शन से लेकर के और इम्यूनिटी तक, यानी कि अगर जिंक का कमी हो जाता है तो गाय का भूख भी कम हो जाता है, तो इसलिए जिंक पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। लेकिन इसमें भी अब लेटेस्ट रिसर्च आ गया है कि बहुत ऐसे मिनरल्स होते हैं कि अगर उसका डोज ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं और दूसरा चीज़ को कम कर देता है। जैसे कि आप कॉपर की बात करें, अगर कॉपर का परसेंटेज आप ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आप फास्फोरस है उसकी कमी हो जाएगी, अब फास्फोरस की कमी होगी तो फिर रिप्रोडक्शन में समस्या आएगा। तो इसलिए ये सब कुछ सावधानियाँ हैं, तो खैर उतने डीप में किसान भाइयों को नहीं जाना है, उसके लिए एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं और उस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन करके साइंटिस्ट लोग फिर प्रोडक्ट को बना रहे हैं। खैर इसमें हम लोगों ने जो भी बारीक टॉपिक्स हैं, जो विषय हैं, उस पर हमने चर्चा की, और आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि इस तरह का अगर आपको अच्छा लगता हो वार्ता तो क्या क्या चीज़ को हम लोग और जोड़ सकते हैं, और अभी तक का जो भी प्रशांत जी से अभी हमने बात की है उसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा आपको भी जानकारी होगा, मौसम के अनुरूप ज़रूर जो है सो जिस विषय पर हमने चर्चा की उसको अपने यहाँ अपने फार्म पे ध्यान दीजिए, उस चीज़ों पे टॉक्सिसिटी पे ध्यान दीजिए, मिनरल्स अगर जो भी यूज़ कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, फिर से जो स्ट्रेस है स्ट्रेस को कम करने के लिए ज़रूर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। और प्रशांत जी आपका काफ़ी धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर हमें मौका दिया कि हम आपसे इस तरह का एक संवाद कर पाएँ, एक वार्ता कर पाएँ, और हम कोशिश करेंगे अगर अच्छा फीडबैक रहेगा, लोगों का अच्छा रुझान रहेगा तो हम इन चीज़ों को ज़रूर आप पे फिर से इस तरह की वार्ता हम लोग करेंगे। नितेश जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की हम लोग की वार्ता होती है, जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था और किसान भाइयों का जो कमेंट आया, सपोर्ट आया और जो उन्होंने बताया, बहुत सारे क्वेरीज किए जिसके कारण हम लोग आज बैठे हुए हैं और वार्ता किए। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, छोटे किसान भाइयों के बीच में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।